हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो कि आप किसी भी पार्टी फंक्शन, पूजा में, किसी भी ओकेजन में आप इजीली कैरी कर सकते हो। एंड गाइस, मैंने ये लुक स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ शेयर किया है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड गाइस, अगर ये लुक आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब करके ही जाएं एंड इसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। एंड गाइज, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये लुक कैसा लगा। तो सर, चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं अपने फेस को अच्छे से पहले प्रेप करूँगी एंड फर्स्टली मैं टोनिंग करूँगी। एंड मैंने टोनर के लिए यहाँ गुड वाइब्स का टोनर लिया है। सो गाइज, टोनर जो है आपके पोर्स को भी फिल करता है एंड आपके फेस को भी हाइड्रेटेड रखता है। सो देन मैं यहाँ ले रही हूँ पॉन्स का मॉइस्चराइज़र। एंड आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, उस अनुसार से आपको मॉइस्चराइज़र लेना है। लेकिन आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है अपना बेस लगाने से पहले। अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करना है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये गुड वाइब्स का सीरम। सो आप चाहो तो यूज़ कर भी सकते हो, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट ये सीरम बहुत ही अच्छा है। सो आप ये सीरम एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड गाइस, ये आपके बेस को भी बहुत ही फ्लॉलेस बनाता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो या देन मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एन वाई बे का मॉइस्चराइज़र, लिप मॉइस्चराइज़र। देन मैं स्टार्ट करूँगी अपने आईब्रो को फिल करने से। एंड मैंने यहाँ माल्याओं का आईब्रो पैलेट लिया है एंड उसके साथ जो एप्लीकेटर आता है मैं उसी से अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करूँगी। एंड गाइस, फर्स्टली आप अपने आईब्रो को पहले सेप दे दें, अपने एजेस को शार्प करें, उसके बाद आप अपने बीच के आईब्रो को अच्छे से फिल कर लें। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है आईब्रो को फिल करने का, तो आप देख रहे हो। सो यार, इसके साथ जो स्पूली आता है मैं उससे अपने आईब्रो को भी अच्छे से कोम कर लूँगी, ताकि जो प्रोडक्ट है वो इक्वली ब्लेंड हो। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये सिस ब्यूटी का कंसीलर एंड इसे मैं अपने पूरे आईलेट पे भी लगाऊंगी एंड इसे मैं अपने आईब्रो को भी अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। एंड गाइज, ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज भी बहुत ही अच्छी आती है। देन मैं स्मॉल स्पंज लेके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत ही ध्यान से अपने आईब्रो को शार्प करें, बहुत ही ध्यान से अपने आईब्रो को डिफाइन करें। एंड अपने आईलेट पे जो कंसीलर लगाया है उसे सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आईलेट पे क्रीज पड़ जाएगी, जो कि बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। और उसके बाद आप आई शैडो अप्लाई करोगे तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का पैलेट, उसमें से मैं ये लाइट पीची शेड ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। एंड उसके लिए हमें ऐसा एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है एंड उससे आपको अपने सिर्फ क्रीज में अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। एंड गाइज, ब्लेंडिंग अच्छे से करें, आई मेकअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लेंडिंग। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, तो ब्लेंडिंग अच्छे से करें आप। एंड इससे मैं अपने क्रीज को अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। देन मैं यहाँ ये पिंक शेड ले रही हूँ सिस ब्यूटी के पैलेट से एंड मैं सेम पीची शेड के साथ इसे ब्लेंड करूँगी एंड अपने क्रीज को और अच्छे से डिफाइन करूँगी। आप जब भी आई मेकअप करते हैं तो आप हमेशा लाइट शेड से डार्क शेड की ओर जाएं। सो देन मैं यहाँ ये डार्क ब्राउन शेड एंड चॉकलेटी ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड मैं यहाँ ये स्टिफ पेंसिल ब्रश ले रही हूँ एंड इससे मैं सिर्फ अपने क्रीज में इसे सिर्फ प्लेस कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं, इसे मैं सिर्फ अपने क्रीज में अभी सिर्फ प्लेस कर रही हूँ।
एंड आप जब भी कोई डार्क कलर लेते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से अप्लाई करें, वरना वो कब आपके आई मेकअप को ख़राब कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बहुत ही ध्यान से अप्लाई करें। तो आप देख रहे हो मैं इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ अगेन, एंड सेम फ्लफी ब्रश से मैं इस डार्क कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस पिंक शेड के साथ। एंड एक्स्ट्रा मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है। सो आप जब भी कोई डार्क शेड लगाते हैं तो कभी भी उसे डार्क शेड के साथ ब्लेंड ना करें, उसे हमेशा लाइट शेड के साथ ब्लेंड करें। वो ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी एंड वो देखने में भी हार्श नहीं लगेगा। सो देन मैं सेम ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड उसे मैं अपने आउटर वी में प्लेस कर रही हूँ सेम ब्रश से। एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। देन मैं इसे अपने इनर कॉर्नर में भी लगाऊंगी सेम ब्राउन शेड को। सो मैं समथिंग हेलो आईज टाइप ड्रॉ कर रही हूँ अपने आई मेकअप को। देन मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके अच्छे से सारे कलर्स को ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। देन मैं सेम कंसीलर ले रही हूँ एंड कंसीलर आप जब भी लगाएं कट क्रीज की तरह तो आप उसे एक फ्लैट ब्रश में लेकर लगाएं। एंड ये बहुत ही इजी तरीका है कट क्रीज ड्रॉ करने का। आप अपने मिडिल आईलिड पे लगाएं एंड ऊपर की तरफ देखें एंड आपका कट क्रीज तैयार है। सो इसे मैं सिर्फ अपने मिडिल ऑफ द आईलिड पे लगाऊंगी एंड हमें एक स्पंज की हेल्प से इसे सेट कर लेना है। देन हम लेंगे ये ग्लैम 21 पैलेट से ये पिंक शेड, दो पिंक शेड को मिक्स करके एंड इसे जहाँ सिर्फ जहाँ कंसीलर लगाए वहाँ हम अप्लाई करेंगे। अब देख रहे हैं एंड आप जब भी कोई सिमर शेड लगा रहे हैं तो आप उसे अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई करें, वो ज़्यादा इजीली लग जाएगा। देन हम लेंगे यहाँ पिंक एंड पीची शेड एंड अपने कंसीलर के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, जहाँ हमने दो कलर मिक्स किया है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कोई एजेस ना दिखे। देन आप चाहे तो ये आई मेकअप यहीं फिनिश कर सकते हैं, बट मैं यहाँ HR का ये ग्लिटर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं अपनी दूसरी आई कंप्लीट करके आती हूँ। सो या देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये मेबलिन सॉरी मेबलिन का आईलाइनर। एंड जब भी आप कोई ऐसा हैवी सा आई मेकअप करते हैं ट्रेडिशनल मेकअप, तो आप अपने आईलाइनर को हल्का सा मोटा रखें एंड हल्का सा उसमें विंग दें, वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, आपकी आई मेकअप और अच्छे से उभर के आती है। सो मैं वैसे ही आईलाइनर लगा रही हूँ, मैं हल्का सा मोटा एंड हल्का सा विंग लगा निकाल रही हूँ। सो या देन हम स्टार्ट करेंगे अपना फेस मेकअप। सो मैंने यहाँ लिया ये पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर एंड इसे मैंने अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। देन हम यहाँ ले रहे हैं वेट एंड वाइल्ड का ये फाउंडेशन एंड गाइज ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। इसकी कवरेज मीडियम है बट आप चाहे तो इसे बिल्ड कर सकते हैं। सो इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ। गाइज आप अच्छे से इक्वली लगाएं, वरना कहीं पे कवरेज ज़्यादा हो जाएगी और कहीं पे कम हो जाएगी, इसलिए आप इक्वली सारी जगह लगाएं। सो इसे और आप जब भी अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं, और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर ले रहे हैं तो आप उसे अच्छे से वेट करने के बाद ही अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करें, इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी होगा एंड फ्लॉलेस भी दिखेगा। एंड अगर आप ब्रश भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर भी हल्का सा अपना टोनर या अपना मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लें, उसके बाद उससे ब्लेंड करें। सो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड आपको ईयर एंड नेक एरिया को भी अच्छे से कवर करना है ताकि वो अलग अलग ना दिखे, ऐसे बहुत अनइवन सा दिखता है। सो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। सो मैं सेम यहाँ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इस ब्यूटी का एंड इसे मैं अपने सारे हाइलाइटिंग एरिया पे अप्लाई कर लूँगी एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड भी कर लूँगी। सो
सो मैं अपने अंडर आइज़ पे लास्ट में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मैं तुरंत वहाँ पे पाउडर अप्लाई कर लूँ और वहाँ पे कोई क्रीज लाइन भी ना पड़े। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप रिलेशन का बनाना पाउडर, एंड इससे मैं अपने सारे एरियाज़ जो हैं जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसे अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि वहाँ क्रीज लाइन ना पड़े। देन मैं यहाँ कॉन्टूरिंग के लिए ब्राउन शेड ले रही हूँ, एंड फर्स्टली मैं सारी जगह इसे अप्लाई करूँगी, उसके बाद ब्लेंड करूँगी। एंड गाइज, जब आप पाउडर अप्लाई करते हैं उसके बाद उसी टाइम जब आप कॉन्टूरिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। उसे शार्प करने के लिए आपको अलग से फिर पाउडर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये बहुत ही एक अच्छा सा तरीका है। सो मैं सारी जगह इसे अच्छे से लगा लूँगी अपने, एंड देन मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। गाइज, आप जब भी कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, फाउंडेशन हो या कॉन्टोरिंग हो, तो अपने हेयर लाइन से लेते हुए उसे अप्लाई करें ताकि वो अनइवन सा ना दिखे, वो अच्छा दिखे। सो देन मैं यहाँ अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। एंड गाइज, कॉन्टोरिंग बहुत ही ज़रूरी है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी लगता था, पर जब आप करने लगोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, एंड आपको खुद वो समझ में आएगा फ़र्क कि हाँ वो कैसा लगता है, वो कितना अच्छा दिखता है। सो मैं इसे एक स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। मैं सारे पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ अब। देन मैं यहाँ पिंक एंड पीची शेड ले रही हूँ फॉर द ब्लश। एंड आप जब भी ब्लश अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसे अपने कॉन्टोरिंग के साथ मिक्स करते हुए अप्लाई करें ताकि दोनों अलग सा ना दिखे एंड मिक्स हो जाए दोनों। सो देन मैं अपने लेस लाइन पे कलर अप्लाई कर रही हूँ, बट उससे पहले हमें काजल अप्लाई करना है। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं पहले कर रही हूँ ताकि मेरा काजल भी अच्छे से कलर्स आई शेडो के साथ स्मज हो जाए। सो मैं यहाँ पहले काजल अप्लाई कर रही हूँ, एंड ये NYB का काजल है। सो देन मैं यहाँ पिंक शेड ले रही हूँ, एंड देन मैंने ये पेंसिल ब्रश में ब्लैक शेड लिया है, एंड उससे मैं एकदम लेस लाइन के बहुत ही क्लोज इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। इससे मेरा काजल भी ब्लेंड हो जाएगा। देन मैं अपने लैसेस को कर्ल करूँगी, एंड लैसेस को कर्ल करने के बाद आपके लैसेस बहुत ही अच्छे दिखते हैं। एंड देन मैं यहाँ मस्करा अप्लाई कर रही हूँ, एंड ये मेबलिन का मस्करा है, एंड ये एक वाटरप्रूफ मस्करा है। या मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर ली है, एंड देन मैं यहाँ अपने लैस बैंड को हाइड करने के लिए यहाँ आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो देन मैं अपने फेस को शेड करने के लिए यहाँ रोज़ वाटर ले रही हूँ। सो अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर, एंड ये बटन वाइल्ड का हाइलाइटर है। सो इसे मैंने अपने चिक बोन्स, टिप ऑफ द नोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज, चिन पे, फॉरहेड पे, सारी जगह अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड देन मैं इसे अपने ब्राबोन पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन मैं यहाँ अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। सो लिपस्टिक लिए मैं यहाँ एलिटिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड मुझे सॉरी याद नहीं है, बट ये पिंक इन शेड में है जो कि मेरे मेकअप के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा था। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आया हो। सो अगर ये लुक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइज, टेक केयर।